वेल हेलो कॉस्मिक आर्मी एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो पुल 3 कॉस्मिक। सो ये एक नई सीरीज है थॉर की जो कुछ ही हफ्तों पहले रिलीज हुआ है। इसका पहला इशू जिसका नाम है नेक्सस वॉर थॉर। ये फर्स्ट इशू ये दरअसल एक स्पेशल कॉमिक सीरीज है जो कि फॉर्नाइट और साथ ही में मार्वल के एक स्पेशल सीरीज के तौर पर निकली है, जिसमें हमें थॉर की कॉमिक्स और साथ ही में फॉर्नाइट का एक कॉमिक वर्जन देखने को मिलने वाला है। सो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है इन सब चीज़ों के दो हफ्तों पहले। एसगार्ड भगवानों का शहर, थॉर का राज्य। अब तक बस दो ही हफ्ते हुए थे जब थॉर ने प्रिंस ऑफ एसगार्ड गॉड ऑफ थंडर ने इस गोल्डन सिटी का क्राउन अपने सर पर पहना था। पर जब कलेक्टर्स द वॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड्स यहाँ पर अचानक घायल हालात में और मदद की तलाश में आ गिरा, तब दो हफ्तों से राजा बन जाने के कारण अब गैलेक्टस की सारी बातें सुन करके वो जान जाता है कि ब्लैक विंटर जो सभी चीज़ों का अंत है वो आ रहा है। और इस कारण से इस एग्जिस्टेंस के 5 स्पेशल प्लैनेट को गैलेक्टस कंज्यूम करने की तलाश में निकल जाता है, जो कि गैलेक्टस को इतना पावर देंगे कि वो ब्लैक विंटर को वापस भेज सके और ब्लैक विंटर की परछाई इस पूरे पूरे रियलिटी से भी दूर रहे। अब 2 हफ्ते बीत चुके थे जब से उसके फादर का क्राउन थॉर ने पहना था, एक नया टाइटल और साथ ही में एक नया फॉर्म भी अब उसने ले लिया था और वो था हेराल्ड ऑफ थंडर का। थॉर गैलेक्टस की मदद कर रहा था और थॉर और गैलेक्टस ने सक्सेसफुली उन 5 प्लैनेट्स में से एक को डिस्कवर कर लिया। थॉर ने उस प्लैनेट के जितने भी जीव थे उन सभी को बायप्रोस की मदद से अपने एसगार्ड में भेज दिया और गैलेक्टस ने उस प्लैनेट को कंज्यूम कर दिया, उस एनर्जी को अपने अंदर समा लिया जिससे वो आगे की जर्नी को कंटिन्यू कर सके। पर तभी कुछ दूरी पर कुछ ऐसा हुआ और कुछ ऐसा दिखाई दिया जो हमारी कल्पना और हमारे सोच से कहीं कहीं गुना ज्यादा परे था। और तभी गैलेक्टस कहता है, वहाँ की पावर अनंत है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। अगर मैं उस पर फीड करता हूँ ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जो मुझे गैलेक्टस नहीं मुझे उस पर फीड करना ही होगा। तुम भूल रहे हो, तुम अपने आप को भूल रहे हो गैलन। हमारे पास यहाँ पर अभी एक मिशन है, तुम उसे नहीं कर सकते। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे उन्हें वार्न करना होगा इससे पहले कि ये वहां पहुंच जाए। और थॉर अपनी गॉड लाइक स्पीड के जरिए उस पोर्टल के आर पार चले जाता है और जैसे ही वो उस पोर्टल के पार पहुंचता है वो देखता है एक आइलैंड। और वो जब से इस आइलैंड के आसमान पर आ चुका था उसे ऐसा लग रहा था कि किंग ऑफ थंडर को एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी ताकत इस जगह की ओर खींच रही थी। थॉर के नसों में भरी हुई पावर कॉस्मिक और ओडिन फोर्स भी इस मैजिक को समझ नहीं पा रहे थे। थॉर के रेवंस अब इस मैजिक की किसी भी तरीके की मीनिंग नहीं निकाल पा रहे थे। पर तभी इस अनजान जगह में उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो जानी पहचानी थी, जिंदगी। और थॉर उसके पास आते हुए कहता है, हेलो एंड मैन विद स्ट्रेंजर, मैं यहाँ तुम्हें तकलीफ पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं हूँ थॉर, किंग ऑफ एस्कार, और मैं यहाँ पीस के लिए आया हूँ। मैं यहाँ शांति स्थापित करने आया हूँ। क्या तुम मुझे प्लीज बता सकती हो कि ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ हूँ? प्लीज फिर से नहीं, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से तकलीफ पहुँचाना नहीं चाहता। मैं यहाँ जस्ट अभी आया हूँ और मुझे तुमसे और आपके तुम्हारे लोगों से किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी बिल्ली एक बाइक में आ रही होती है और तब थॉर लाइटनिंग समन करते हुए कहता है, प्लीज मैं यहाँ पर तुम सभी को वार्न करने लाया हूँ। मैं तुम्हारी साइड हूँ, मुझे तुमसे किसी भी चीज की बैटल नहीं चाहिए। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं बस उससे लड़ना चाहता हूँ जो तुम्हारे खिलाफ है। और तभी थॉर के ऊपर कोई सूट कर देता है और तब हम देखते हैं कि फॉर्टनाइट के और भी कई सारे कैरेक्टर्स वहाँ पर आ पहुंचे थे। और तब थॉर कहता है, बहुत अच्छा, प्लीज इस पागलपन को रोको, मुझसे बात करो। एक बहुत ही बड़ा खतरा, एक बहुत ही बड़ा शैतान यहाँ आ रहा है। तुम मैं अभी से महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे ये जमीन मेरी सारी सारी मेमोरीज को खींचना शुरू कर चुका है। और इसके बाद थॉर उन सब के छोटे मोटे अटैक से परेशान होकर के वहाँ पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक करता है। उसके बाद वो
कहता है, मैंने कहा बस। और लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद वो ऊपर की ओर उड़ जाता है और वो कहता है उनसे, कुछ आ रहा है और तुम उसे मेरी मदद के बिना हरा नहीं सकते। मैं गॉड ऑफ थंडर, किंग ऑफ एस्गार्ड, मैं और थोर यहाँ पर अपना नाम तक भूल गया था और उस कारण से वो मियोनीर को भी नीचे गिरा देता है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये फॉर्टनाइट का लैंड थोर की सारी मेमोरीज को भी खींच रहा है। मियोनीर के नीचे आने के बाद थोर भी नीचे आता है और वो कह रहा होता है, कौन हूँ मैं, कहाँ, मैं यहाँ पर कैसे आया आखिर, मुझे याद आया, ये तुम, बिल्ली के साथ, मुझे तुम याद। थॉर का माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। इस आयरलैंड की मिस्ट्रियस एनर्जी ने उसके दिमाग पर असर किया था, पर उसका लाइटनिंग, उसके पावर्स गॉड होने के कुछ भी नहीं गए थे। और थॉर यहाँ पर बिना किसी कारण से लड़ते जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये कितनी भी अजीब जगह हो, मुझे यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। पर जब तक थॉर इन सबसे लड़ रहा था, तब तक थॉर के गॉड होने के कारण उसकी मेमोरीज भी धीरे धीरे रिस्टोर हो रही थी। और तब थॉर को याद आता है, ओडिन की डारी की कसम, वो अब याद आ रहा है मैं यहाँ क्या हुआ था। उसके लिए गैलेक्टस डिवोरर्स ऑफ द वर्ल्ड आ रहा है। तभी थॉर अपने रेवन को शिप के पास भेज देता है। जब से थॉर को रेवन्स मिले, यानी कि ओडिन फोर्स के साथ, ओडिन के रेवन्स भी अब थॉर के हो चुके थे, जो कभी भी किसी भी डायमेंशंस के बैरियर्स के एग्जिस्टेंस को भी पार करके थॉर के मैसेज को किसी भी जगह पहुंचा सकते थे। तब वो रेवन्स शिप के पास आते हैं और वो कहता है, शिप जल्दी करो, थॉर को थोड़ी मदद चाहिए। तभी शिप कहती है, मैं हर जगह देख सकती हूँ और मुझे पता है कि अब क्या करना है। और शिप उनसे चिंता न करने को कहती है और वो आगे कहती है, मदद उसके रास्ते में है। और इसी के साथ बायप्रोस से कई सारे एवेंजर्स, एक्समैन, गार्डियंस और डॉक्टर डूम भी थॉर की हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं। थॉर आयरन मैन से कहता है, आह थैंक यू, तुम सही टाइम पर आ गए, अब जल्दी करो, हमें साथ में काम करना होगा गैलेक्टस को रोकने के लिए। ओके जरा शांत हो जाओ, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि तुम जानते हो शायद तक तो, कि मुझे कोई भी मैजिकली यहाँ टेलीपोर्ट करके ले आए, वो भी मेरे मर्जी के खिलाफ। तीन बातें हैं, पहला ये हम सब कहाँ पर हैं, दूसरा ये तुम कौन हो, और तीसरा एग्जैक्टली ये सब लोग कौन है। वेल गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आ जाएगा मैं डाल दूंगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये थॉर की मेन स्टोरी लाइन की साइड स्टोरी है, जो कि फॉर्टनाइट के साथ कोलैबोरेशन में बनाई जा रही है मार्वल के द्वारा। सो, ये स्टोरी अच्छी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसका कुछ भरोसा नहीं, लेकिन पहला एपिसोड ठीक ही है। सो, देखते हैं इसके आगे के इश्यूज कैसे होंगे। और हाँ, मैं कॉस्मिक किंग थॉर का 72 जैसे ही आएगा तब तक डाल दूंगा, लेकिन इसके बाद आपको इंजस्टिस का पार्ट 3 मिल जाएगा, और पार्ट 4 और पार्ट 5 को भी मैं रेडी कर दूंगा कुछ ही टाइम में। सो, नेक्स्ट इस हफ्ते आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है कॉमिक्स के तौर पर। सो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप बन जाओगे एक आर्मी का पार्ट, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। सो, सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ कॉस्मिक सुपर हीरोज।